आज हम अन्योक्ति विलासम का 5वां श्लोक अध्ययन करने जा रहे हैं। नवै ताडना तापना वहनि मध्ये नवै विक्रयात् क्लिश्यमानो अहम् अस्मि स्वरस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं यतो मां जना गुंजया तोलयन्ति। ताडना पीटने पर, तापना तपाए जाने पर, वहनि मध्ये आग के बीच में, विक्रयात् बेचे जाने पर, क्लिश्य मानो क्लिश्य मतलब दुखी परेशान, अहम माने मैं, अश्मि माने हूँ, स्वरस्य सोने का, मैं मुख्य दुखम तदेकम, तद एकम वह एक मुख्य दुखम मुख्य दुख है, यतो माने क्योंकि, माम माने मुझे, जना माने लोग, गुंजिया माने रत्ती घुंघजी जिसको रत्ती भर कहते हैं घुंघजी, तोलेंत माने तोलते हैं। तो इसका अर्थ है नवै ताडना तापना वहनि मध्ये, सोने के पक्ष में कहा गया है, सोना कहता है कि न पीटे जाने पर, न आग के बीच में पिटाई या पीटे जाने पर मैं दुखी हूँ, तापना न मैं आग के बीच में तपाए जाने से दुखी हूँ, न वह विक्रिया न मैं बेचने पर दुखी हूँ, कृष्य मानो अहम अस्मि न मैं बेचे जाने पर दुखी हूँ, न पिटाई खाने पर दुखी हूँ, न आग के बीच में तपाने पर दुखी हूँ, न बेचे जाने पर दुखी हूँ, स्वरस्य में मुख्य दुखम तदेकम, मुझ सोने का एक ही दुख है, मुझ सोने का मुख्य वह एक ही दुख है कि यतो मां जना गुंजया तोलयन्ति, लोग मुझे रत्ती भर से तौलते हैं, लोग मुझे घुंघजी से तौलते हैं, और गुड़ी व्यक्ति के पक्ष में कहा गया है, जैसे सज्जन व्यक्ति के पक्ष में यह कहा गया है कि सज्जन व्यक्ति की का एक सज्जन व्यक्ति को इस बात का इस बात से या अन्य बाधाओं से किसी प्रकार का दुख नहीं है, उस सज्जन व्यक्ति को इस बात का दुख है कि बाहर से आकर्षक दिखने वाले, बाहर से सुंदर दिखने वाले और सुंदर दिखने वाले और नीच पुरुषों की तुलना में, नीच पुरुषों की तुलना से एक बुरी व्यक्ति एक सज्जन व्यक्ति की तुलना करते हैं, इसी बात का जो है इसी बात का बुरी व्यक्ति को दुख है। संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत परिचायिका के अन्योक्ति विलासम नामक पाठ से लिया गया है। यह सोने के माध्यम से एक गुड़ी व्यक्ति की तुलना नीच पुरुषों से की जाए, यही जो है गुड़ी व्यक्ति का दुख प्रकट किया गया है। तो अब है दूसरा रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वान उदेश्यति असिष्यति पंकजादि इत्थम विचिन्त्यति कोशगते द्विरेफे हा हंत नलिनी गद उजहार रात्रिर्गमिष्यति। एक बंद भौरा जो है कमल समूह में एक बंद भौरा जो है सोचता है कि रात्रिर्गमिष्यति रात बीतेगी, गमिष्यति माने बीतेगी, भविष्यति माने होगा, सुप्रभातम माने सुंदर सवेरा, भास्वान माने सूर्य, उदयस्यति माने उदय होंगे, असिष्यति माने खिलेगा पंकजाली कमल का समूह, इत्थम इस प्रकार विचित्यन्ति माने सोचते हैं, कोशगते द्विरफे कोशगते माने भौरों का द्विरफे। तो
हाँ हंत, दुख है नलिनी गद बुझारम। नलिनी मतलब कमलनी, गद माने हाथी, गद माने हाथी, द्विरेफे माने भौरों के द्वारा। तो कमल के समूह में बंद भौरा सोच रहा है कि रात बीतेगी, रात बीतेगी, भविष्यति शुभ प्रभातम, सुंदर सवेरा होगा, सुंदर प्रभात होगा, भास्वानु उदेश्यति, सूर्य उदय होगा, हसिष्यति पंकजादि, कमल का समूह खिलेगा। इत्थं विचित्यन्ति, इस प्रकार भौरा सोच ही रहा था कि कोश गते द्विरफे, कोश गते द्विरफे, कमल भौरों के द्वारा, भौरों के द्वारा कमल के समूह को, हाँ हंत, दुख है कि गद उजहारा, मैंने भौरों के द्वारा बंद, कमल के समूह में बंद भौरा जो है यह सोच ही रहा था कि तभी जो है नलिनी गद उजहार, हाथी ने कमलनी को आकर उखाड़ दिया। मतलब उसका सोच विचार जो है धरा का धरा ही रह गया। तो मनुष्य के संदर्भ में कहा गया है कि मनुष्य जो है मनुष्य के हृदय में अनेक प्रकार की आशाएं जो है उत्पन्न होती है। मनुष्य एक व्यक्ति के पक्ष में कहा गया है कि सोच रहा है कि मेरे बुरे दिन बीतेंगे, बुरे दिन बीतेंगे, कष्ट मिटेंगे, अच्छे दिन आएंगे, सुख समृद्धि आएगी, तभी जो है यह सोच, यह व्यक्ति जो है ऐसा अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी जो है काल का आगमन होता है और उसका जीवन ही समाप्त हो जाता है, उसकी सभी आशाएं जो है, उसकी सभी आशाएं क्षण भर में ही समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार जो है यह एक कमलनी के पक्ष में कहा गया है। तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत परिचायिका के अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। इसमें जो है कमलनी के द्वारा एक मनुष्य की इच्छाओं को व्यक्त किया गया है, मनुष्य की इच्छाओं को व्यक्त किया गया है। इसमें अन्योक्ति विलास, अन्योक्ति विलास, अन्योक्ति का आनंद, अन्य अन्य उक्तियों का, कहावतों का आनंद है, आनंद को बताया गया है। इस प्रकार अन्योक्ति विलास जो है समाप्त हुआ। फिर जो है एक बार और देख लीजिए, नवे ताड़ना तापना वहनी मध्य सोना कहता है, न आग में पीटे जाने पर, न आग के बीच में तपाए जाने पर, न बेचे जाने पर मैं दुखी हूँ। मुझ सोने का तो एक ही दुख है कि लोग मुझे रत्ती भर से तौलते हैं। और दूसरा है सुंदर सवेरा होगा, रात बीतेगी, सूर्य उदय होगा, कमल का समूह विकसित होगा, खिलेगा। अभी ऐसा ही कमल कोश के अंदर बंद भौरा सोच ही रहा था कि तभी जो है हाथी ने आकर कमलनी को उखाड़ दिया।